बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हुंजा फूड एंड स्किन सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी होममेड चाट मसाले की रेसिपी, जो इंतहाई लजीज और मजे का बनेगा, जो आपकी चाट का, दही भल्लों का मजा दुबाला कर देगा। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। जिन प्यारी प्यारी आंखों से आप मेरी वीडियो देखते हैं, उन्हीं प्यारी प्यारी हाथों से आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। आइए चलते हैं मज़ेदार चाट मसाले की रेसिपी की तरफ। मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में चाट मसाला कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है अजवाइन 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून, 6 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे आमचूर लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है सूखा धनिया और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है जीरा और ये 3 टेबल स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है सौंफ, सौंफ मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, हल्दी मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून, काली मिर्च मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून, काला नमक मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून और नॉर्मल नमक मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, कलवंजी मैंने लिया है 1/2 टीस्पून और जायफल इसका मैंने आधा टुकड़ा लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ लिया है 2 लौंगे लिए और 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए और यहाँ मैंने लिया है पुदीना, पुदीना के चंद पत्ते। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पैन मैंने यहाँ पर गरम होने के लिए रख दिया है। जब ये गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पुदीना। पुदीने को हम अच्छे से भूनेंगे, मतलब खुश करेंगे। इतना ज़्यादा आपने नहीं भूनना कि ये जल जाए, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। अब ये रेडी हो गया, अब हम इसे उतार लेते हैं। अब मैंने ऐड की है काली मिर्च, इसको भी हम कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। अब मैं ऐड करूंगी इसमें सूखा धनिया। अब मैंने ऐड किया है सूखा धनिया, अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी। हमने तब तक इसको भूनना है जब तक हल्की हल्की इसकी स्मेल आने लग जाएगी। इन सब मसालों को मैं अलग-अलग अलग-अलग इसलिए भून रही हूँ ताकि सबकी जो खुशबू है वो अलग अलग से आए और इन मसालों का जो अंदर का ऑयल होता है वो एक्टिवेट हो जाए। मैं ऐड कर रही हूँ जीरा और इसको भी मैं 1 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी। अब ये जितने साबुत मसाले हैं इसको हम मिक्सर में ग्राइंड करके एक पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। 4 मसाले मेरे पास पाउडर फॉर्म में मौजूद है, इसलिए मैं इनको ग्राइंड नहीं करूंगी। ये देखिए, यहाँ पे हमने मसाला अच्छे से ग्राइंड कर लिया और ये पाउडर फॉर्म में आ गया इस तरह से। अब हम अपने बाकी के मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नमक हसबे जायका, लाल मिर्च, हल्दी और आमचूर। अब मैं इन तमाम मसालों को आपस में करूंगी मिक्स, मतलब हमने इनको एक जान करना है। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो यहाँ पर हमारा चाट मसाला बिल्कुल रेडी हुआ जाता है। अब आप कोई भी खाली जार या खाली बॉटल लेके इस चाट मसाले को स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये खाली बॉटल पड़ी हुई थी, इसके अंदर मैं ये चाट मसाला डाल रही हूँ और अब मैं इसको स्टोर कर सकती हूँ। आप 1 साल के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा साल के लिए भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आपने जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चाट मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है।